कि सीआरआई केस नंबर 1441-2021 है और ये केस है, पार्टी का नाम है इसमें मयंक रंजन वर्सेस त्रिपुरारी कुमार तिवारी एलियास मनीष कश्यप, और इसमें जो है पेशी कब होनी है वो सुन लीजिए। अगर मनीष कश्यप जो 27 तारीख जो बता रहा है 27/7 को, फिर मनीष कश्यप आएंगे तो रह जाएंगे घर पे या फिर चले जाएंगे? मनीष कश्यप हमेशा के लिए जेल से रिहा हो गए हैं और मनीष कश्यप पर से एनएस हट गया है, या मनीष कश्यप जो SBI बैंक को लेकर जो उनके ऊपर एफआईआर हुआ था उसको लेकर मनीष कश्यप बेतिया कोर्ट में पेश हो रही है, आप ये कंफर्म कर दीजिए आखिर किस मामले में वो बेतिया आ रहे थे? धक्का धुक्की और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की धाराएं इसमें जो है वो लगाई गई हैं। मनीष कश्यप रिहा बिल्कुल नहीं हुए हैं, मनीष कश्यप अभी मदुरई जेल में है, एनएसए नहीं हटा है, मुश्किलें जस की तस हैं, लेकिन वकील लोग काम कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है और उम्मीद है मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। आपको क्या लग रहा है कि जो एफआईआर उनके ऊपर हुआ है क्या तेजस्वी यादव ने की? इसी मामले में मनीष कश्यप की पेशी, जैसा ई कोर्ट सर्विसेस वाला जो एप्लीकेशन है उसमें दिखा रहा है कि 27 जुलाई 2023 को मनीष कश्यप की उसमें हियरिंग होलिया थाने में ये केस दर्ज हुआ है। उसके बाद इसमें जो सेक्शंस लगे हैं वो 448 है, 448 है, 323 है यानी 323 है, 353 यानी 353 है, और 504 है, 506 है, और 34 IPC लगी हुई है। इन दिनों मनीष कश्यप की खूब चर्चे हो रहे हैं, खूब चर्चे हो रहे हैं। अभी देखा जाए तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में मनीष कश्यप जो है बंद है, लेकिन मनीष कश्यप बिहार में ट्विटर नंबर पे खूब ट्रेंड कराया गया है। तमिलनाडु की सरकार MK स्टालिन बिहार आए थे, गो बैक की नारा लगा था, हालांकि खूब ट्विटर पर जो है खूब ट्रेंड किए थे। मनीष कश्यप 26 जून और 27 जून को बेतिया कोर्ट में पेशी होने वाले थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मनीष कश्यप जो आ रहे हैं, जो FIR होने से पहले एक SBI बैंक को लेकर उनके सरकारी बाधे में जो कामों में बाधा डाले थे उसको लेकर FIR हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का जो है हमेशा के लिए जो NSA हट गया है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का जेल से रिहा हो गए हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए वकील सह पत्रकार SK पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आज आप हमारे ऑफिस में आए हुए हैं, संडे का दिन है और हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि मनीष कश्यप की रिहाई होने वाली है, कुछ मीडिया वालों ने तो चला दिया कि रिहाई हो गई और पटना स्टेशन पर आके गरजे। एक जो है वो थंबनेल लगा दिया, अनिकेत रंजन किसी को माला पहना रहे थे उसका सिर हटा के मनीष कश्यप का सिर लगा दिया और कहा कि रिहा होकर मनीष कश्यप जो है वो उनका स्वागत कर, अनिकेत रंजन मनीष कश्यप का स्वागत कर रहे हैं। कोई कह दिया कि हाँ 26 तारीख को आने वाले हैं, कोई कह दिया कि 27 तारीख को आने वाले हैं। तो ये जो डेट है वो अदालत के ऊपर जो है वो निर्भर होता है, कोर्ट के ऊपर निर्भर होता है। जो अभी जो आप बिहार नहीं भारत के किसी भी कोने में बैठ करके, दुनिया के किसी कोने में बैठ करके, और ई कोर्ट सर्विस नाम का जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, उसमें आप FIR नंबर सर्च करिएगा 193/2021, और उसमें जब आप सर्च करिएगा तो आप पाइएगा कि CRI केस नंबर 1441-2021 है और ये केस है, पार्टी का नाम है इसमें मयंक रंजन वर्सेस त्रिपुरारी कुमार तिवारी एलियास मनीष कश्यप, और इसमें जो है पेशी कब होनी है वो सुन लीजिए। पहले जो अभी जो इस एप्लीकेशन में आ रहा है वो आ रहा है कि फर्स्ट हियरिंग का डेट है 8/6/2021 को और नेक्स्ट हियरिंग का डेट दे रहा है 27/7/2023 को। फिर से सुनिए, 27 जुलाई 2023 को जो इसमें दे रहा है, क्या दे रहा है नहीं दे रहा है ये अलग चीज है, लेकिन एक वेरीफाइड ये एप्लीकेशन का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जो अभी आपके दर्शक भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस केस में क्या हुआ है, चार्जशीट तो अभी अवेटेड है, चार्जशीट नहीं सबमिट हुआ है। 8 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो केस को जो है वो मयंक रंजन के पक्ष में जो है वो पक्ष लेंगे मनीष कश्यप के खिलाफ, और मझौलिया थाने में ये केस दर्ज हुआ है। उसके बाद इसमें जो सेक्शंस लगे हैं वो 448 है, 448 है, 323 है यानी 323 है, 353 यानी 353 है, और 504 है, 506 है, और 34 IPC लगी हुई है। गाली गलौज धक्का धुक्की और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की धाराएं इसमें जो है वो लगाई गई हैं। इसी मामले में मनीष कश्यप की पेशी, जैसा ई कोर्ट सर्विसेज वाला जो एप्लीकेशन है उसमें दिखा रहा है कि 27 जुलाई 2023 को मनीष कश्यप की उसमें हियरिंग है
अब जो एक सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप आ रहे हैं, तो मनीष कश्यप का आना प्रशासन और कोर्ट के बीच में जो बातचीत होगी और जो अवेबिलिटी होगी उसके आधार पर चीजें जो है वो निर्धारित हो रही हैं। पहले आप ये कंफर्म कर दीजिए, जितने भी दर्शक देख रहे हैं और अफवाह वीडियो में पड़े हुए हैं कि मनीष कश्यप हमेशा के लिए जेल से रिहा हो गए हैं और मनीष कश्यप पर से एनएस हट गया है, या मनीष कश्यप जो SBI बैंक को लेकर जो उनके ऊपर एफआईआर हुआ था उसको लेकर मनीष कश्यप बेतिया कोर्ट में पेश हो रही है, आप ये कंफर्म कर दीजिए आखिर किस मामले में वो बेतिया आ रहे थे। मैं वही बता रहा हूँ, वही जो बैंक वाला मामला है वही वाला मामला है, मझोलिया में जो है वो केस हुआ है, उसी की हियरिंग होनी है 27/7 डेट दिखा रहा है ई कोर्ट सर्विसेज में। मनीष कश्यप रिहा बिल्कुल नहीं हुए हैं, मनीष कश्यप अभी मदुरई जेल में है, NSA नहीं हटा है, मुश्किलें जस की तस हैं, लेकिन वकील लोग काम कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है और उम्मीद है मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। अगर मनीष कश्यप जो 27 तारीख जो बता रहा है 27/7 को, फिर मनीष कश्यप आएंगे तो रह जाएंगे घर पे या फिर चले जाएंगे? मनीष कश्यप अगर आते हैं, फिर सुनिए, आएंगे नहीं, अगर आते हैं, दोनों शब्द में अंतर देखिएगा, क्योंकि उनके आने के लिए तो बहुत ज्यादा पुलिस वालों की जरूरत है, 600 मैंने कहीं सुना था उनके एडवोकेट मिश्रा साहब जो बहुत सीनियर एडवोकेट है उन्होंने बताया था 600 के करीब में पुलिस वालों की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो उतनी पुलिस अगर बेतिया में होगी उस हिसाब से उन पुलिस कॉप्स को संभालने वाले ऑफिसर्स होंगे तब जाकर के उनको लाया जाएगा, अन्यथा नहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन अगर आएंगे भी तो हियरिंग होगी और उनको रिटर्न फिर मदुरई के जेल में जाना होगा। चलिए, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मनीष कश्यप पर जो FIR हुआ है और NSA लगाया गया है वो तेजस्वी यादव के द्वारा ही किया गया है। अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है कि जो FIR उनके ऊपर हुआ है क्या तेजस्वी यादव ने किए हैं? क्योंकि मनीष कश्यप जो है वो जेल से बाहर आएंगे, आप लोग कानून को हाथ में नहीं लेकर के, कानून को साथ में लेकर के जहां भी मौका मिले मनीष कश्यप का इतना समर्थन करिए और उनकी इतनी चर्चा करिए कि उस मुद्दे को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखिए और जो लोग भी उनके खिलाफ हैं चुनाव के समय एक बार उनका उनको सबक सिखाने का काम करें, याद किया जाएगा एक बार याद। चलिए, हमारे साथ में SK पंकज जी हैं और इन्होंने बताया बेबाकी से बातों को रखा कि मनीष कश्यप को जो है इन दिनों जो मनीष चर्चे में थे, मनीष कश्यप की जो मनीष कश्यप जो है तमिलनाडु से बिहार आ रहे हैं, बेतिया कोर्ट में पेशी होने वाला है, हालांकि आप लोगों ने इस बातों को सुना कि अभी नहीं आने वाले हैं जैसा कि पता चल रहा है। और बाकी इस वीडियो में आप सभी को क्या कहना है अपना जो है राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।